तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है। मैं अनिल बिरारी। ऑप्शन की जो सीरीज चल रही है दोस्तों, जो मास्टर कोर्स मैं आपको यहाँ पर एक पेड मास्टर कोर्स आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो पार्ट टू के सेशन में आपका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये उसका दूसरा पार्ट है, ये पार्ट टू है। और ये जो ऑप्शन का जो मास्टरी कोर्स है दोस्तों, ये पूरा सिलेबस इसके अंदर जो ऑप्शन में जो मार्केट में जो ऑप्शन के कोर्स बेच रहे दोस्तों, ठीक है, वो पूरा कोर्स आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। तो आप इस दोस्तों ये लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से लोग इसको बेनिफिट उठा सकेंगे, क्योंकि ये जो कुछ समय के लिए यूट्यूब पे रह सकता है, बाद में हो सकता है कि वो हम इसको डिलीट कर दें या फिर ये बाद में इसको हम रिमूव कर लेंगे, ओके, कस्टमाइज कर लेंगे। तो ज़रूर आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ये ऑप्शन का पूरा कंप्लीट पेड कोर्स है, जो कि लोग 50-50 हज़ार में, 1-1 लाख में दोस्तों बेच रहे हैं, ठीक है। बट मैं अपने फैमिली के लिए और मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर बेस, जो मेरा फैमिली है, उन लोगों को मैं देना चाहता हूँ वैल्यू, और उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो मैंने कमिट किया था वो आप यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है, और आज हम सेशन को स्टार्ट करने जाएंगे। सेशन हमारा दूसरा है, ये पार्ट टू, ऑप्शन मास्टरी कोर्स विद अनिल बिरारी सर। दोस्तों, चलो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, क्योंकि आपको इस तरह के कोर्सेस अगर मैं जब डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके, ओके। तो आज का जो मॉडल है हमारा, जो मॉडल फर्स्ट में आपने देखा था, ठीक है, जो मॉडल आपने वन में देखा था, तो उस मॉडल में क्या था दोस्तों, कि हमने वहाँ पे देखा कॉल पुट कैसे बाय करने हैं, ओके। उसके बाद में हमने वहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखे थे, और बैंक निफ्टी निफ्टी के इंडेक्स को हमने वहाँ पे पढ़ा था, तो ज़रूर आप वो चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में दोस्तों हम लोग मॉडल टू में सीखेंगे ऑप्शन ट्रैक्स प्राइस सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन मार्केट के अंदर अगर आप काम करते हो तो ऑप्शन में क्या होता है कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना नहीं आता है या फिर आपने गलत स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर लेना, तो मार्केट आपके फेवर में भी रहेगा तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, चैप्टर वन के अंदर हम सीखेंगे ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके। ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालना है वो फार्मूला मैं आपको आज बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे चैप्टर टू के अंदर ऑप्शन टाइम वैल्यू, ऑप्शन टाइम वैल्यू, यानी ऑप्शंस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक टाइम होता है, कौन से पीरियड में आपको बाय करना है, कौन से पीरियड में आपको सेल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऑप्शन का टाइम वैल्यू अगर आपको नहीं पता होगा ना, तो आप है ना गलती कर रहे हो। तो और यही कोर्स में दोस्तों, यही हमारा जो मेरा प्राइस एक्शन का जो प्राइस एक्शन विथ, मैंने उस दिन कल बताया था, आपको फिर से दिखाऊंगा। तो प्राइस एक्शन विथ ऑप्शन मास्टरी का जो कोर्स है दोस्तों, उसके अंदर हमने डिटेल्स के अंदर बोला, मतलब है ना, डिटेल में आपको लाइव में आपको सब, आपको वो जब चार्ट पे हम लोग एंट्री करते हैं या एग्जिट एंट्री करते हैं, कोई मैं आपको कॉल या पुट देता हूँ, तो उसका रीज़न और उसको बकायदा हम उसको लाइव दिखाते हैं, ओके। तो वही टाइम वैल्यू बहुत ज़रूरी है उसके। दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज चार्ट के एनालिसिस कर लेंगे, थोड़ा बहुत चार्ट को हम रीड करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम जाएंगे। और यहाँ पर चैप्टर फोर के अंदर आप देखेंगे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ऑन स्पॉट चार्ट, कि अगर स्पॉट चार्ट के हिसाब से आपको स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। एंड चैप्टर फाइव के अंदर आप सीखेंगे निफ्टी कॉल पुट, बस आज हम निफ्टी की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एंड तक वीडियो को बिल्कुल बने रहिए, आज का जो सिलेबस है बहुत ही ज़बरदस्त सिलेबस है, और ये जो अगर आपने एक बार मास्टर कर लिया ना, तो ऑप्शंस का एक बोलते हैं ना कि आपने बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर लिया, और ऑप्शन आकर आप ट्रेड करते हो तो आपको लॉस चांसेस बहुत कम है कि आप लॉस करेंगे, ओके। तो दोस्तों शुरू करते हैं, यहाँ पर आज देखेंगे ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, जो कि मॉडल टू के अंदर हम कैसे करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जस्ट 2 मिनट, ठीक है। तो ओके दोस्तों, अभी हम यहाँ पर जस्ट 2 मिनट, तो आज के सेशंस के अंदर दोस्तों मतलब जो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें जो बता रहा हूँ उसको आप इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंस क्या होता है कि इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको इसे हम लोग को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इम्प्लीमेंट आपको बहुत ज़रूरी होता है, ओके। नाउ तो थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, ये हमारा एक हमारा चैनल है,
यश ट्रेनिंग एकेडमी हमारी जो कंपनी है जिसका मैं फाउंडर हूँ, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। दोस्तों यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम के बारे में भी आपको यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। टेलीग्राम के अंदर तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको मैं यहाँ पर लाइव आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर जाएंगे, आपको यहाँ पर डालना है यश मिलीनियर क्लब, यह हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है। और दोस्तों आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए, ये बहुत आपसे बहुत बड़ी खासियत है हमारी टेलीग्राम चैनल की। देखो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं मालूम है, आपको इन्हें चार्ट डालते हैं। क्या डालते हैं? इंट्री एंड एग्जिट के चार्ट डालते हैं। देखिए आपने अभी तक बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम देखे होंगे जहाँ पर सिर्फ लेवल प्रोवाइड की जाती है, लोग वहाँ पे सिर्फ कॉल पुट डालते हैं, लेवल देते हैं, बस यहाँ पे बाय कीजिए, यहाँ पे सेल कीजिए। बट यहाँ पे आपको चार्ट के साथ में कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्जिट होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हम बताते हैं, और ये चार्ट के थ्रू, और आपको यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग भी आपको होती है, क्योंकि आप जब हमारे साथ लाइव, कहाँ से एंट्री था, इसका रीज़न क्या था, वो क्यों यहाँ पर हमने कॉल बाय किया और क्यों यहाँ पर हमने पुट बाय किया, क्या रीज़न था, उसका टाइम वैल्यू क्या था, इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या थी, सब चीज़ें हम यहाँ पे आपको दोस्तों लाइव दिखाते हैं, और सब लाइव आपको चार्ट में, यानी एंट्री और एग्जिट चार्ट के थ्रू रहेगी। इसलिए आप हेवी क्वांटिटी भी आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आज बहुत सारे ऐसे फेक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर आपको एक को कॉल देते हैं, एक को पुट देते हैं, बरोबर, एक को कॉल बाय करते हैं, एक को पुट बाय कराते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है कि आपकी सच्चाई क्या है, तो सच्चाई को परखने के लिए और सच्चाई को जानने के लिए आपको यहाँ पर चार्ट पे टाइम के साथ, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम के साथ रहेगा, यहाँ पर कितने बजे इसमें ब्रेकआउट आया था, कितने बजे यहाँ पर मूवमेंट हुआ था, ये सारी सच्चाई आपको चार्ट के ऊपर भी देखने को मिलेगी। और आप हमारा जो परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर आपने हमारा जो फरवरी का जो परफॉर्मेंस था, फरवरी मंथ का, देखिए ये सारा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे हमें मिलता है, और आपको यहाँ पे 3 महीने का हम लाइव परफॉर्मेंस आपको देख देते हैं हर 3 महीने के अंदर। तो दोस्तों इसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ये आपके लिए एक वरदान साबित होगा, और आपकी यहाँ पे लर्निंग भी होगी और अर्निंग भी होगी, तो दोनों ज्वाइन करना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है, आप ज़रूर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी को लगता है कि आपको अगर पेड हमारी सर्विस ज्वाइन करनी है जहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों डालते हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस टारगेट नहीं मिलता है, बट यहाँ पर आपको एंट्री कहाँ पर लेना है, एग्जिट कहाँ पर लेना है, ये आपको चार्ट भी डालते हैं, तो जो समझने वाले हैं वो समझ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, तो और लोगों को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, आप सपोर्ट भी करें हम लोग, आप लोगों को ये जो चैनल है, लोगों को आप शेयर भी करें, जिन लोगों को शेयर मार्केट में आना है, सीखना है, तो इनको ये चैनल आप सब्सक्राइब करने को बोल सकते हैं, तो ठीक है। और अभी हम चलते हैं हमारे सेशंस की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा चैनल था, तो आप इस चैनल को टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं। और दोस्तों और किसी को अगर कॉल, हमारा जो कोर्स है, ओके, वो कोर्स के बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा मैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक चैनल है, अनिल टेक्निकल चैनल, ये मेरा जो फोटो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें हमने बहुत सारी इंट्राडे स्ट्रैटेजी डाली हुई है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजी है, उसकी गारंटी भी है, आप जाके वहाँ पे चेकआउट करें, कम से कम 10, मेरे ख्याल से 8 से 10 स्ट्रैटेजी मैंने डाली है, इंट्राडे स्ट्रैटेजी, आप उसको किसी भी एक को पिक करो और 22 दिन तक उसको फॉलो करो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, और आप मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर मुझे बोलेंगे, मैंने बहुत बड़ा वैल्यू आपको दी हुई है, तो आप ज़रूर चैनल के ऊपर जाके सारी स्ट्रैटेजी देख सकते हो। और दोस्तों अगर किसी को पूछना है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल अगर नहीं बन लगा तो, या नहीं कॉल अगर मैं बिजी हूँ नहीं उठाऊंगा, तो व्हाट्सएप पे आप मुझे उसका नाम, सिटी, और आप आपका प्रॉब्लम भेज सकते हो, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर दे दूंगा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने कल मॉडल 1 देखा था, ठीक है, अभी हम मॉडल 2 की तरफ डायरेक्टली आज चलते हैं। ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, तो कैसे करना है ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, तो चलते हैं आज का मॉडल हमारा 2 के अंदर। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम चलेंगे ओके चैप्टर 1 में, तो चैप्टर 1 के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, अगर मैं आपको बताऊँ ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, आज हमें ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करनी है और इंट्रिंसिक वैल्यू हमें कैसे निकालनी है, उसका फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, बहुत बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इंट्रिंसिक वैल्यू, द कंसेप्ट ऑफ कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसमें हमें क्या करना है अभी कि अपना जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो कि मैंने कल आपको बताया था कि टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, जो भी प्रीमियम होता है ऑप्शंस का, जो प्रीमियम होता है, समझो अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, मैं ले लेता हूँ समझो बैंक निफ्टी का हम चार्ट लेते हैं, बैंक निफ्टी का स्पॉट लेते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी की अगर बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि
बैंक निफ्टी अगर 40,100 के ऊपर चल रहा है, ठीक है, 40,100 के ऊपर, और उसका जो प्रीमियम है, इसका जो प्रीमियम अगर होगा, इसका प्रीमियम है समझो 100 रुपीज़, एग्जाम्पल, ठीक है, प्रीमियम है 100 रुपीज़। तो मैंने हमने कल पढ़ा था कि प्रीमियम में क्या होता है, ऑप्शन वैल्यू, प्रीमियम में क्या होता है, टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, बराबर, आपने कल सुना था, टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू, ये हमारी ऑप्शन की प्रीमियम में आती है, टाइम वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू, अभी उसको भी हमारा फॉर्मूला हमें निकालना है, और टाइम का भी हमें वैल्यू उसकी निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा। तो हमने आपको, मैंने यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, तो आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, यानी इसके ऊपर ही आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो दोस्तों क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, इंट्रिंसिक एंड टाइम वैल्यू के लिए जो हमारा कॉल है, ठीक है, हमारा कॉल है, कॉल, ठीक है, कॉल के लिए मैं सिर्फ अभी सी करूँगा, क्योंकि आप अभी थोड़ा एडवांस लेवल पे आ चुके हो। सी हमारा कॉल के लिए हम लोग सी करते हैं। तो सी का जो फॉर्मूला है, सी में क्या होता है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर मैं समझो बैंक निफ्टी चल रही है 40,100 के ऊपर, ठीक है, बैंक निफ्टी चल रही है 40,100 के ऊपर चल रही है, और हमारा जो कॉल है, अगर मुझे कॉल का इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला कॉल की तरफ निकालना है, पहले हम लोग तो इंट्रिंसिक वैल्यू को पहले हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का हमारा फॉर्मूला रहेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल के साइड में इज इक्वल टू, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू करंट स्टॉक प्राइस, ओके, करंट स्टॉक प्राइस, उसको बोलेंगे हम लोग CSP, ओके, करंट स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, करंट स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, SP, इसको लिखते हैं यहाँ पर SP, ठीक है। तो दोस्तों आपने अभी देखा कि इंट्रिंसिक वैल्यू हमें निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, करंट स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, माइनस स्ट्राइक प्राइस। अभी अगर समझो करंट स्टॉक प्राइस, अभी करंट स्ट्राइक प्राइस, अभी समझो 40,100 ये करंट स्ट्राइक प्राइस है, बराबर, और उसमें से हमको माइनस करेंगे स्टॉक प्राइस। अभी स्टॉक प्राइस, इसका जो प्राइस चल रहा है, जो कि समझो इसका एग्जांपल मैं ऐसा मान सकता हूँ, इसका प्रीमियम चल रहा है 100 रुपीज़, एग्जाम्पल, ठीक है, इसका प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़। तो ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला, इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फॉर्मूला है, आप चाहे तो इसमें नोट कर लीजिएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू करंट स्ट्राइक प्राइस माइनस स्टॉक प्राइस, ठीक है। तो करंट स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, सॉरी, करंट स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पर आप देखेंगे करंट स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसके अंदर हमको वैल्यू डालना है। कॉल के लिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग वैल्यू इज इक्वल टू करंट स्टॉक प्राइस। अभी स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है, 100 चल रहा है, तो यहाँ पे हम 100 को डालेंगे, यहाँ पर 100 माइनस माइनस जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस क्या चल रही है, 40,100, बराबर, ओके। तो दोस्तों अगर अगर इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 0 निकल के आती है, फिर से बता रहा हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 0 निकल के आती है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू बचा होगा। क्या बचा होगा, टाइम वैल्यू। तो आपको तुरंत समझ में आता है कि ये जो टाइम वैल्यू बचा है, इसमें कोई दम नहीं है, ये सिर्फ टाइम का पैसा ले रहा है, वो जो प्रीमियम जो होगा वो सिर्फ टाइम का पैसा वो चार्ज कर रहा है, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 माइनस 40 माइनस 40,000 माइनस 100 कर लीजिएगा, ओके, क्या आंसर आएगा आपका, 40,000, ओके, 40,000, ठीक है। तो दोस्तों ये आंसर आपका क्या आ रहा है, 40,000 आंसर क्या आ रहा है, समझो ये माइनस आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस। अगर समझो कि आंसर आपका माइनस में आता हो, तो समझ लेना है कि आपका जो आपका जो प्रीमियम है, या फिर आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, उसके अंदर सिर्फ टाइम का पैसा बचा हुआ है, सिर्फ टाइम वैल्यू बची हुई है। क्या बचा है उसमें, टाइम वैल्यू बचा हुआ है, ओके। ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू, इसको निकालने का, इंट्रिंसिक वैल्यू करंट स्टॉक, करंट स्ट्राइक प्राइस, ओके, स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, सॉरी, करंट स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, ओके। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये जो आपको फॉर्मूला जो है आपको समझ में आया होगा।
और इसका आप घुमा फिरा के बाद में एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते दोस्तों, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये हो गया हमारा इंट्रेंस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, अभी हम निकालेंगे टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम वैल्यू के लिए अगर मैं बात करूँ, जस्ट 2 मिनट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। टाइम वैल्यू का हम लोग निकालेंगे टी फॉर टाइम वैल्यू। ओके, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं अच्छे से। टाइम वैल्यू इज इक्वल टू दोस्तों ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम जो भी आपका ऑप्शन प्रीमियम रहेगा, माइनस माइनस इंट्रेंसिंग वैल्यू, आपका इंट्रेंसिंग वैल्यू, ठीक है। ओके, अगर आपको किसी पर्टिकुलर अगर ऑप्शन स्ट्राइक के अंदर या फिर प्रीमियम के अंदर टाइम वैल्यू निकालनी है, तो टाइम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे कि उसका जो ऑप्शन प्रीमियम है, ऑप्शन प्रीमियम समझो, एग्जांपल बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 40,100 के ऊपर फिलहाल बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और 40,100 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो आपको टाइम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो ऑप्शन प्रीमियम चल रहा है 200 रुपये, समझो क्या निकालना है, 200 रुपये, ठीक है। एग्जाम्पल अगर वो जो स्ट्राइक प्राइस अगर वो एट द मनी है या फिर वो इन द मनी हो सकती है या फिर आउट ऑफ द मनी हो सकती है, अगर आउट ऑफ द मनी हो सकती है तो आपका उसमें टाइम वैल्यू का पैसा रहेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि ऑप्शन का प्रीमियम क्या है, समझो 200 रुपये। ओके, ऑप्शन का प्रीमियम क्या है, 200 रुपये माइनस 200 रुपये, ये हमारा ऑप्शन का प्रीमियम चल रहा है, ये टाइम वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो टाइम वैल्यू को निकालने के लिए ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंटरेस्टिंग वैल्यू, अभी समझो ये 40,100 ये आपका भी फिलहाल स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया हुआ है, और समझो बैंक निफ्टी अगर चल रही है 39,900, देखो फिर अभी बहुत ध्यान से देखिएगा, 39,900 का भी बैंक निफ्टी चल रही है, तो अगर आपने आउट ऑफ द मनी कॉल लिया हुआ है तो सिंपल है कि उसमें सिर्फ क्या बचा हुआ है, टाइम वैल्यू बचा हुआ है, तो इसका इंट्रेंसिंग वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, इंट्रेंसिंग वैल्यू क्या आएगा, 0। तो इंट्रेंसिंग वैल्यू 0 आएगा, इसका मतलब आपको इसका आंसर मिलेगा 200 रुपये जो ये इसका चार्ज कर रही हो प्रीमियम, जो ये स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है ये 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो ये जो प्रीमियम है दोस्तों ये सिर्फ टाइम का पैसा है, इसके अंदर कुछ भी इंट्रेंसिंग वैल्यू नहीं बची हुई है, और ये एक्सपायरी के दिन क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा एक्सपायरी के दिन, ये कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होगा तब ये 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन, यानी ये अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा अंदर टाइम वैल्यू है, किसके अंदर इंट्रेंसिंग वैल्यू है। तो इंट्रेंसिंग वैल्यू जिसके अंदर बचा होगा तो वो एक्सपायरी के दिन 0 नहीं होगा, और उसमें चांसेस ज़्यादा है कि वो उसके अंदर वो बढ़ सकता है, यानी उसके अंदर जान बचा है अभी भी। जिसके अंदर सिर्फ टाइम का पैसा है ना, तो समझ लेना कि जैसे जैसे वो सिर्फ टाइम का पैसा चार्ज कर रहा है, जैसे समझो एग्जाम्पल कर मैं बात करूँ कि अगर मैं बोलूँ कि आपको बॉम्बे से दिल्ली अगर 10 घंटे में पहुंचना है तो पॉसिबल है, यस आर नॉट, पॉसिबल है। आपको फिर से बोलूँ कि बॉम्बे से दिल्ली आपको सिर्फ 4 घंटे में पहुंचना है तो भी पॉसिबल है, क्योंकि आप ट्रेन से जाएंगे या इसमें भी जाएंगे तो भी पॉसिबल है। आपको बोलूँ कि बॉम्बे से दिल्ली आप 2 घंटे में जाइए तो भी पॉसिबल है, क्योंकि आप एयरप्लेन से जाएंगे तो पॉसिबल है। बट मैं आपको बोलूँ कि बॉम्बे से दिल्ली सिर्फ आपको 5 मिनट में जाना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो टाइम के बाहर आ गया, यानी टाइम उसके अंदर अभी नहीं बचा हुआ है, उसमें टाइम ही नहीं बचा है, उसके अंदर जान ही नहीं है, तो वो ऑप्शन ऊपर जाएगा ही नहीं। और इस तरह से लोग आउट ऑफ द मनी के, जिसमें टाइम वैल्यू है और जिसमें टाइम नहीं भी बचा है, यानी इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं है, ऐसे स्ट्राइक प्राइस लोग खरीद लेते हैं सस्ते दाम में और वो हमेशा लॉस करते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंस है आपको ये समझने के लिए, तो ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस का और सिलेक्शन और इंट्रेंसिक वैल्यू आपको इस तरह से निकालना है, और इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, आप अच्छे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करेंगे और आपको इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू समझ में आ जाएगी, और आप उसको आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे और आपका लॉस होने से बच जाएगा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो अगर समझ में नहीं आया होगा दोस्तों तो फिर से वीडियो को घुमा फिरा के एक बार आप देख लीजिएगा। वीडियो अभी है हमने रखेंगे हम लोग, जल्दी डिलीट नहीं करेंगे बट बहुत जल्दी हम लोग इसको डिलीट कर लेंगे, जिसलिए जितना हो सके उतना उसको पूरा आप देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ेंगे, चैप्टर 2 हम अभी करेंगे। दोस्तों अभी आता है सबसे बड़ा ऑप्शन टाइम वैल्यू, ठीक
जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन टाइम वैल्यू। देखिए ये जो सीक्रेट है ना, ये आपको कहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत सारे पेड कोर्सेस में सिखाया जाता है, बट यहाँ पे मैं आपको दे दे रहा हूँ। दोस्तों क्या होता है कि एक होता है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ, या बोल सकते हैं हम लोग स्टार्ट ऑफ द मंथ। ओके, जस्ट 2 मिनट, समझो ये स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, ठीक है, एंड एंड ऑफ द मंथ, यानी लास्ट लास्ट मतलब एक वीक का, मंथ का लास्ट वीक, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शन की जो टाइम है जो बाय करने का, अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं ना, तो मैं बोलूँगा 15 से 20 मिनट आपको ट्रेड आपका बहुत हो गया। अगर आपने उससे ज़्यादा अगर होल्ड कर लिया ना, तो आइसक्रीम की तरह पिघल जाएगा और आपका लॉस हो जाएगा। अगर आप प्रॉफिट में भी रहेंगे तो भी आपका लॉस हो जाएगा। कैसे? अब यहाँ पे देखेंगे ना, स्टार्ट ऑफ द मंथ में कोई भी प्रीमियम, अगर आप देखेंगे ना फ्राइडे के दिन, अगर जब वीक चालू होता है, अगर मैं वीक की बात करते हैं, हम लोग वीकली मंथ, वीकली एक्सपायरी और मंथली एक्सपायरी, तो अभी हम लोग मंथली एक्सपायरी की बात करते हैं, तो स्टार्ट ऑफ द मंथ 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, यानी पहले 10 दिन, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, इसमें क्या होती है, ये नया है, ये अभी नया बच्चा पैदा हुआ है, यानी न्यू जन्म लिया हुआ है, ये जो कॉल या पुट है, जो ऑप्शन है वो नया है, तो इसमें जरा वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। क्या रहेगी वोलेटिलिटी? ज़्यादा रहेगी, यानी इसमें आप अगर बाय करेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ चांसेस है कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है स्टार्ट ऑफ द मंथ में। उसके बाद दोस्तों ये ऐसा, मतलब यहाँ पे शुरू हुआ था स्टार्ट ऑफ द मंथ, ये ऊपर जाएगा ऐसा, ठीक है, फिर बाद में आएगा मिडल ऑफ द मंथ, ठीक है, मिडल ऑफ द मंथ। अभी मिडल ऑफ द मंथ में क्या होता है दोस्तों, कि आपका जो मिडल ऑफ द मंथ शुरू होगा 11 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में, ओके, तो यहाँ पर भी चांसेस है कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम है वो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा मतलब बढ़े और साइडवेज हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, साइडवेज हो जाए, साइडवेज हो जाए, यानी उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, ऊपर की तरफ वो जाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो जो पीरियड था उसका, उसके अंदर जान ज़्यादा है, यानी वो उसके अंदर मतलब बोलते हैं ना, उसके अंदर पावर ज़्यादा है, क्योंकि अंदर वो क्या, अभी वो स्टार्ट हुआ है, तो उतना जल्दी वो जीरो नहीं होने वाला, तो वो अभी शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में वो क्या करेगा, 10 दिन तक बहुत अच्छा आपको, अगर ट्रेंड जो रहेगा बैंक निफ्टी का, चाहे अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, आपका कॉल हो, पुट हो, दोनों तरफ से आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देगा। बट मिडल ऑफ द मंथ में क्या होगा कि 11 से 20 के बीच में ये थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, और ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज 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 चलेगा। और एंड ऑफ द मंथ, अगर एंड ऑफ द मंथ की मैं बात करूँ, मतलब लास्ट वीक के अंदर, यानी अगर मैं 21 से लेकर 29 या 30 तारीख के बीच में, यानी आपका एक्सपायरी अभी होने वाली है, तो उसमें क्या हो सकता है कि उसके अंदर वो बूढ़ा बूढ़ा बन गया है। ये क्या बन गया, वो बूढ़ा बन गया है पूरी तरह से। यहाँ पे बच्चा था, बच्चा रहता है जब उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, यहाँ पर वो जवान है, यहाँ पर जवान होता है, जवान में क्या रहता है, मिडल रहता है बोलते, तो उसमें कुछ ज़्यादा ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा बड़े बड़ा बढ़ोतर भी नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में एंड ऑफ द मंथ में वो बूढ़ा बन जाएगा, और उसके चांसेस है कि वो धीरे धीरे उसका एक्सपायरी में, उसकी जो जो भी है उसके अंदर जो क्षमता है, वो धीरे धीरे नीचे आके मार्केट में वो उसको वो जीरो बन जाएगा। तो इसे हम कहते हैं ऑप्शन टाइम वैल्यू। ये टाइम वैल्यू अगर आपको समझ में आई जाएगी ना दोस्तों, तो गारंटी के साथ कहता हूँ आप अच्छा खासा पैसा बनाओगे, और आपको समझ में आएगा कि कब आपको बाय करना है और कब आपको ऑप्शन सेल करना है, क्योंकि ऑप्शन सेल आपने बहुत सारा जगह पे देखा होगा कि ऑप्शन सेलिंग में जो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, एक टाइम डिके का नाम का एक एक सब्सटेंस है, एक मतलब ना एक मैटर है, वो आपको बेनिफिट देता है ऑप्शन सेलर के लिए। बट ये ऑप्शन सेलिंग कब करनी चाहिए, ये भी एक पॉइंट है। देखो ऑप्शन सेलर ज़्यादातर काम करेंगे ना छुट्टी के दिन करते हैं ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में छुट्टी आती है तो आपको ज़्यादा मुनाफा होता है, क्योंकि उसको जीरो के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये होता है ऑप्शन टाइम वैल्यू, स्टार्ट ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ। आपको एंड ऑफ द मंथ में हमेशा ऑप्शन को सेल करना चाहिए, बाय नहीं करना चाहिए। अगर आप अगर मिडल में भी खरीदते हो, तो पहले आपको देखना है कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो उसके जैसे लेना है, क्योंकि वो साइडवेज जोन में जा सकता है। और स्टार्ट ऑफ द मंथ 1 से 10 तारीख के बीच में अगर आप ट्रेड लेते हो, तो आपको कॉल या पुट जो भी ट्रेंड होगा मार्केट का, आपको तगड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। इसलिए हमें ऑप्शन टाइम वैल्यू को समझना है, उसके टाइम की कंडीशन को समझनी है, उसकी वैल्यू को समझनी है। तो वैल्यू यही है कि यहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट होगा बढ़िया, मतलब यहाँ से 0 से लेकर 200 500 तक जाएगा, उसके बाद 500 तक, फिर आने के बाद में कंसोलिडेट करेगा वो 400 500 400 500, उसके बाद धीरे धीरे जब एंड ऑफ आएगा, तो वो धीरे धीरे 100 200 150 50 करके जीरो बन जाएगा। इसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू। तो ये टाइम वैल्यू को दोस्तों समझिए, अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो मैं बोलता हूँ कि आपको ऑप्शन मार्केट समझ में आ जाएगा। अगर आपने डेरिवेटिव चैप्टर अगर पढ़ा होगा 12th के अंदर, उसके अंदर आपको दिखाया गया है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें, डेरिवेटिव हो चाहे
प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो, प्रोबेबिलिटी चैप्टर हो, आपने बहुत सारे, क्योंकि ये डेरिवेटिव मार्केट है, ये शेयर ऑप्शन मार्केट जो है ना, ये डेरिवेटिव मार्केट है। और डेरिवेटिव मार्केट में होता क्या है कि ज़्यादातर उसके डिराइव यानी स्पॉट के तरफ से मार्केट चलता है और एंड में जाके वो उसको जीरो हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमें इसको ऑप्शन टाइम वैल्यू को आपको समझना है, और आपको यह उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। तो वीडियो को लाइक करते, तो वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज का सेशन थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों, थोड़ा क्योंकि बहुत टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है, बहुत टॉपिक आपको कवर करने हैं। ओके, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका आता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चार्ट, ठीक है। अभी थोड़ा हम चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट के अंदर अभी मैं आपको बताया था कि हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है, आपको चार्ट्स में डालता हूँ, आपको चार्ट के थ्रू आपको वहाँ पे लर्निंग होती है। तो अभी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी चार्ट के ऊपर हम क्या देखेंगे, ज़्यादातर क्या देखेंगे, तो दोस्तों आपको वहाँ पर क्या क्या देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट के ऊपर आप, अभी हमारा जो कोर्स है प्राइस एक्शन और मास्टरी जो है ऑप्शन मास्टरी, वो 15,000 का भी फिलहाल उसका प्राइस बढ़ने वाला है, बट अभी 15,000 के ऊपर हम लोग इसको दे रहे हैं। तो इतना बेहतरीन कोर्स है दोस्तों ये कोर्स, अगर एक बार आपने 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए ना, बाद में आपको गुम जिंदगी में कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इतना ऑप्शन के आप मास्टर बन जाओगे दोस्तों कि आप है ना प्रॉफिट ही बनाओगे, आपका लॉस कभी नहीं होगा, ये मैं एक गारंटी देता हूँ। और वो कोर्स का डिजाइन ऐसे किया हुआ है, उसके अंदर सारे एग्जाम्पल के साथ और लाइव, क्योंकि वहाँ पे हमारे जितने भी हमारे जो कंटेस्टेंट है वो हमारे साथ लाइव ट्रेड करते हैं, लाइव ट्रेड का मज़ा आपको मिलता है वहाँ पे। तो इसलिए वो अगर आप ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके अभी यहाँ पे देखो अप ट्रेंड है, ये क्या चल रहा है, अभी मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड था, ठीक है, अप ट्रेंड आप देख सकते हैं, लो हायर हाई, अभी यहाँ पे उसने ये जो लो है अभी ये तोड़ा नहीं है, जैसे ये लो तोड़ देगा ना तो नीचे की तरफ जाएगा मार्केट, फिर इसको ये क्या करेगा, इसको रिटेस्ट करेगा और फिर मार्केट नीचे गिरेगा, फिर हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। यस, तो ऑप्शंस का भी दोस्तों ऐसा ही है, हमें स्ट्राइक प्राइस, जब हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी चार्ट के ऊपर, तो वहाँ पे आपको क्या करना है कि कॉल और पुट के चार्ट देखने हैं, कॉल और पुट के चार्ट। बहुत सारे मेरे जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको मैं पता होगा सीक्रेट, बट ये आपको ऑप्शन के कोर्स में, बड़े बड़े आपने 50,000 1,00,000 के कोर्स लिए होंगे, उसमें आपको कोई बताता नहीं है, उसमें आपको सिर्फ वही बताते कि आप वही चार्ट देखिए। दोस्तों मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे क्या करना है कि बैंक निफ्टी का जो स्पॉट चार्ट है उसको आपको देखना है कि ट्रेंड कौन सा है, बट अगर अप ट्रेंड है तो आपको आना है कॉल, वहाँ का जो स्पॉट होगा, जैसे कि अभी समझो 40,100 का यहाँ पर मार्केट चल रहा है समझो बैंक निफ्टी के अंदर, तो आपको तुरंत आना है, और आपको एट द मनी हो सकता है फिर, या तो फिर आप थोड़ा आउट फार आउट ऑफ द मनी, सॉरी नियर आउट ऑफ द मनी। तो आपको क्या करना है, 40,100 का चार्ट लगा देना है और 40,200 का चार्ट आपको लगा देना है, और जैसे आप चार्ट लगाओगे तो आपको चार्ट लगाने के बाद यहाँ पर मार्केट की प्राइस एक्शन को समझना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में दोनों में क्या करना है, कॉल और पुट का। अगर कॉल और पुट दोनों लगा दिए, मार्केट अगर साइडवेज चल रहा है तो आप दोनों को लगाइए, बट जैसे ही कहाँ पर भी एक साइड अगर मार्केट ब्रेक करता है प्राइस एक्शन के साथ, तो आपको कॉल का चार्ट देखना है और पुट का चार्ट देखना है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर मार्केट में आपका जो प्रीमियम या स्टॉप लॉस जो भी जो रहता है वो आपके कॉल और पुट के चार्ट के ऊपर आपको लगाने होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी को स्पॉट चार्ट के रिप्रेजेंट करते हुए स्टॉप लॉस लगाते हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और वहाँ पे वो 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट कितना भी पॉइंट लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे रैली बड़ी होती है, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वहाँ पे जो गैप डिफरेंस है वो 100-100 पॉइंट का होता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि सूझबूझ के साथ वहाँ पे देखना है स्पॉट में क्या चल रहा है, और यहाँ पे आके हमें वो लगाकर वहाँ का चार्ट कॉल या पुट का चार्ट होगा उसके ऊपर हमें ट्रेड लेने हैं, और उसके ऊपर हमें प्राइस एक्शन को समझना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जस्ट 2 मिनट। तो दोस्तों आज का सेशन थोड़ा लंबा है तो ज़रूर पूरा देखिएगा, लेकिन मैं आपको पूरी वैल्यू देके जा रहा हूँ, पेड कोर्सेस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों, और मैं आपको वादा किया था जिस तरह से, तो ये आपको मैं पूरा कर रहा हूँ। देखो ये भी वो जो हमारा अप ट्रेंड था, ये हमारा डाउन ट्रेंड है, तो जो आपने देखा था वो अप ट्रेंड था, और ये देखो ये डाउन ट्रेंड है, देखो कैसा लोअर लो फॉर्मेशन बनाता है मार्केट, और ये लोअर लो फॉर्मेशन के हिसाब से अगर आप यहाँ पे ट्रेंड खींचेंगे तो आपको प्राइस एक्शन समझ में आता है। और जो मेरा प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन मास्टर का कोर्स है वो इसी बेस के ऊपर आधारित है, आपको प्राइस एक्शन का पूरा मास्टर बना देता हूँ, मास्टर बना देता हूँ, और आप कभी भी लाइफ में आपको कभी भी किसी का कोर्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टिप्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इतना मास्टर बन जाएंगे, डेली आप प्रॉफिट बनाएंगे, ये मेरा आपसे वादा रहता है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपके पास में फंड है, पैसा है, तो ज़रूर आप अपने खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ
बिल्कुल दोस्तों, अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ऑन स्पॉट चार्ट। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन दोस्तों क्या होता है कि अभी मैं जो अभी यहाँ पे थोड़ा विस्तार से बताऊँगा, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि समझो समझो एग्जांपल, बैंक निफ्टी अगर चल रही है, अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी चल रही है 44,100 के ऊपर, बैंक निफ्टी समझो चल रही है, स्पॉट प्राइस चल रहा है, और आपको अभी सिलेक्शन करना है। क्या करना है? सिलेक्शन करना है, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। मैं अभी जो आपको बताया था कि स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी समझो 44,100 के ऊपर मार्केट चल रहा है, ओके, या एट द आपका एटीएम हो गया, एट द मनी हो गया, ये आपका हो गया एट द मनी। अभी आपको क्या करना है कि मार्केट का सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि हमें क्या देखना होता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने के लिए, हमें देखना है ओपन इंटरेस्ट। क्या देखना है? ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, दोनों चीज़ देखना है। कॉल की तरफ भी देखना है और पुट की तरफ भी देखना है। देखो यहाँ पे, देखो अगर मैं थोड़ा सा इसका एडवांस पार्ट है, मैं आपको बाद में इसका वीडियो जरूर बना के दूंगा, बट यहाँ पे समझ लीजिएगा कि यहाँ पे होते हैं आपके कॉल्स, ठीक है, यहाँ पे आपके होते हैं कॉल्स और यहाँ पे होते हैं आपके पुट्स, ओके। तो आपको सिर्फ क्या देखना है? ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा कहाँ पर है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर चेंज हो रहा है, बस वो देखना है। और उसे हमें एट द मनी स्ट्राइक पर जो आपकी चल रही है उसके आगे और पीछे, यानी समझो अगर मैं कॉल की बात करूँ तो 44,200 के कॉल के ऊपर और नीचे की तरफ जाएंगे तो 43,000 ना, 43,900 के पुट के ऊपर, बराबर सही है ना, 43,900 के पुट के ऊपर, 39 39, ओके 43,900, सॉरी 800, अगर 100 काट लेते हम लोग इसको, नहीं तो 44,000, सॉरी सही है 43,900 के ऊपर। तो 43,900 का जो पुट है दोस्तों, इसको आपके क्या करना है, यहाँ पर पुट में जाना है और उसका ओपन इंटरेस्ट आपको सिलेक्ट करना है, देखना है कि वहाँ पर कितना बिल्डअप, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, जो भी आपकी नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस, यानी इसके लगभग, ऐसा ज़रूरी नहीं है इधर भी हो सकता है, 44,100 एट द मनी स्पॉट पर चल रहा है, स्पॉट प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पर भी हो सकता है। पर यहाँ पर अगर नहीं भी है तो आपको आगे पीछे देखना है कि अगर यहाँ पे अगर 44,200 के ऊपर ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा आगे जाना है 44,300, जहाँ पर भी दोस्तों ओपन इंटरेस्ट आपको ज़्यादा दिखेगा। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ शॉर्ट में, यहाँ पे देखिए आपको 68,000 है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1,44,000 है, देखिए सबसे बड़ा, जस्ट 2 मिनट थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है 1,44,525 ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और ये ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे चेंज हुआ है, तो ये स्ट्राइक प्राइस है 44,000। तो समझो अगर 44,000 के ऊपर अगर मार्केट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हमें ये स्ट्राइक प्राइस हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ, तो ये स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, और जो भी कॉल की तरफ हो चाहे पुट की तरफ हो, जहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और वो स्ट्राइक प्राइस अभी स्पॉट के ऊपर आगे पीछे हो सकती है 100 पॉइंट 200 पॉइंट, तो जो भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है उसी में जाकर आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है, ओके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा हमारा ज़्यादा होगा, तो थोड़ा थोड़ा समझ लीजिएगा, ओके। नाउ थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ओके। नाउ निफ्टी अभी कॉल पुट हमारे चैप्टर का लास्ट चैप्टर है, निफ्टी कॉल पुट। तो निफ्टी कॉल पुट को हम यहाँ पे अभी समझेंगे, तो आपको उस दिन मैंने आपको बताया भी था कि निफ्टी के कॉल पुट में अगर आप देखेंगे, समझो निफ्टी चल रही है 18,000 के ऊपर, निफ्टी चल रही है बराबर 18,000 के ऊपर निफ्टी चल रही है, तो आपको क्या करना है कि दोनों जब मार्केट ओपन होता है निफ्टी का, तो निफ्टी को देखना है पहले कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, या तो फिर आप 5 मिनट के चार्ट ओपन करते होंगे, तो आपको देखना है कि निफ्टी कहाँ पे ओपन हुई है। तो आपको 15 मिनट कुछ करना नहीं है, 9:30 बजे के बाद मार्केट स्टेबल हो गया तो आपको ऊपर जब मार्केट एट द मनी होगा उसके ऊपर 18,050 पॉइंट, यानी आपका मार्केट क्या होता है यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस जो होते हैं निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस वो क्या होते हैं 50 50 पॉइंट के होते हैं और बैंक निफ्टी के 100 पॉइंट के होते हैं, आपको मैंने लास्ट टाइम पहले सेशन में भी बताया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 17,950 का आपका पुट रहेगा बराबर। तो निफ्टी का कॉल पुट हम क्या करेंगे, निफ्टी का कॉल लगाएंगे वॉच लिस्ट में और निफ्टी का पुट लगाएंगे वॉच लिस्ट में, ये दोनों को आपको लगा देना है। और जहां पर भी मार्केट प्राइस एक्शन के साथ ब्रेक करता है, जहां पर भी मार्केट प्राइस एक्शन के साथ अगर आपको ब्रेक करता है, तो वही जाकर आपको क्या करना है, आपका वहां पे एंट्री लेनी है।
और उसे ही आपको ट्रेड करना है। बस सिंपल है, निफ्टी का कॉल पुट इतना ही है, ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको सिर्फ क्या करना है, एट द स्पॉट देखना है, वहाँ पे ऊपर 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट कॉल पुट दोनों वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लेने हैं, और जहाँ पे प्राइस एक्शन ब्रेक होता है वहाँ पे जाकर आपको ट्रेड लेना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आज का सेशन था जरा बड़बड़ा था, बट आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। अगर आप मेरे ये वीडियो को देखते होंगे लास्ट तक तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप पूरा इसे स्किप ना करते हुए देखेंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, मैं आपसे एक ही प्यास का भूखा हूँ, लाइक कीजिएगा लाइक। अगर मैं आपको मेरे पेड कोर्सेज आपको फ्री में दे रहा हूँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके तो उम्मीद करते दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहाँ पे करते हैं वाइंड अप, क्योंकि आज का जो हमारा मॉडल था टू सेशन थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आज का जो सेशन मॉडल टू था हमारा, तो यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। और अगले सेशन के अंदर हम चैप्टर पार्ट थ्री के अंदर हम कवर करेंगे अगला टॉपिक मॉडल थ्री और मॉडल फोर, क्योंकि फोर मॉडल है हमारे पास, तो फोर मॉडल के हमारे पार्ट फोर बनेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर इतने पार्ट बनने वाले हैं, तो इसलिए मैंने पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री के अंदर मैंने बनाए हैं, क्योंकि ये आपको स्टेप बाय स्टेप चलने करने में मदद करेंगे, और आपको समझने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर आपको एक सेशन को देखेंगे तो आपको आज मज़ा आएगा, काम करने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम करते हैं वाइंड अप, तो मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले सेशन में, ओके फिर से हम मिलेंगे आपको अगले सेशन में, पार्ट थ्री में मिलेंगे। और जब अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है और इस तरह के आपके कुछ कमेंट्स हो, कुछ सुझाव हो, मुझे भेज सकते हैं, आप कमेंट्स करके ज़रूर मुझे भेजिए, या तो फिर आप कॉल कर सकते हैं, आपको अगर मेरा कोर्स करना है तो आप कोर्स भी कर सकते हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था हमारा जो कोर्स है दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको इन डिटेल थोड़ा बता देता हूँ कोर्स के बारे में। हमारा जो कोर्स है ऑप्शन प्राइस एक्शन प्लस मास्टरी, देखिए दोस्तों ये हमारा कोर्स है, जस्ट टू मिनट, ओके दोस्तों यह हमारा कोर्स है ऑप्शन प्लस प्राइस एक्शन मास्टरी, यानी आपको प्राइस एक्शन भी सीखने को मिल रहा है एंड ऑप्शन का भी कोर्स सीखने को मिल रहा है, वो भी सिर्फ 15,000 के अंदर। दोस्तों इसकी लिमिटेड समय के लिए टाइम चल रहा है और ये पेलेटर बैच हमारी चल रही है। अगर आप सच में इनमें इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे, आपके पास में अगर 50% भी पैसा है, आपको लगता है कि हमें सीखना ज़रूरी है, आप टाइम बाद में पैसा हम दे सकते हैं, तो ज़रूर आप जुड़ सकते हैं। और इसमें आपको मैं एक बोलते हैं ना एक पेलेटर का ऑप्शन भी यहाँ पर दे रहा हूँ, तो ज़रूर आप इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं, और इसकी कोई कंपल्शन नहीं है आपको सिर्फ कोर्स करना है, आप पहले फ्री वीडियो देख लीजिएगा आपको अच्छा लगता है। और इसकी खासियत क्या है कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लाइव ट्रेड आप मेरे साथ में लाइव ट्रेड लेते हैं, जैसे आपका कोर्स ख़त्म नहीं होता तब तक तो आपका फीस भी कवर हो जाता है और आप उससे ज़्यादा पैसा कमा लेते हो और आप लाइफ टाइम पैसा कमाना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो जिसको लगता है तो ये ऑप्शन प्लस प्राइस एक्शन मास्टरी कोर्स है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्राइस एक्शन का है। अगर प्राइस एक्शन की बात करें दोस्तों तो प्राइस एक्शन में लोग 1-1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं और ऑप्शन का भी 1-1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपए लोग आज चार्ज कर रहे दोस्तों, और ऑप्शन की बात करें तो 50,000 से लेकर 1 लाख का फी लोग चार्ज कर रहे हैं। तो आपको ये दोनों कोर्स 15,000 में मिल रहा है दोस्तों, और इससे भी एक हमारा कोर्स और है जो कि है लाइट ऑप्शन, तो उसके अंदर आपको सिर्फ वो 999 सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो भी आप चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में आप मुझे लिंक मैं उसमें पर दे दिया इंक्वायरी करने के लिए, तो आप मुझे वहाँ पे अपना नंबर कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको ज़रूर उसको मैं डिटेल आपको दूंगा। तो ठीक है दोस्तों चलो तो हम यहाँ पे सेशन को करते हैं वाइंड अप, ठीक है आज के सेशन को हम लोग यहाँ पे वाइंड अप कर लेते हैं, और मिलते हैं अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता चाहूँगा, और अगर आपका मेरा ये सेशंस अच्छा लगे दोस्तों आप कमेंट्स करके जरूर लिखिएगा, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यह ऑप्शन की पूरी सीरीज पूरा कोर्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, पार्ट वन पार्ट टू, ये पार्ट टू था तो पार्ट थ्री आप जल्दी आएगा उसको भी आप देख लेना, और पार्ट वन अगर आपने नहीं देखा है तो पार्ट वन को भी जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।